तो दोस्तों क्या हाल है? आई होप आप अच्छे होंगे। और ठंड बहुत पड़ रही है तो चादर में आराम से बैठ जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की टैबलेट्स और जो हमारी नेचुरल डाइट होती है उससे रिलेटेड भी आज बात करने वाला हूँ। पहले सन्यासी आयुर्वेदा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टैबलेट्स है ये वेट गेन करती है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में बताया था कि जो ये सन्यासी आयुर्वेदा की टैबलेट है इनको लेने का तरीका क्या और सही तरीका क्या है, इनको हमको कैसे लेना है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारी नेचुरल डाइट है, जो हम नेचुरली वेट गेन कर सकते हैं और इस टैबलेट से वेट गेन करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। ये जो टैबलेट से ये 3 महीने का हमको कोर्स करना पड़ता है और हमारा वेट गेन अच्छे से हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है वो 3 महीने कोर्स कर तो लेते हैं अच्छे से पर उनका उसके बाद भी वेट गेन कम हो जाता है, कम होने लगता है, वो उनकी पहली जैसी कंडीशन हो जाती है। तो इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और जो हमारी नेचुरल डाइट है उससे हमारा जो वेट गेन होता है उसमें ऐसा हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता। तो आपको पता होगा जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसको हम एक बार किसी चीज़ की आदत लगा देते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसको हम छोड़ देते हैं तो बॉडी वैसे की वैसे हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है 3 महीने से, अगर आपको एकदम से छोड़कर चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप एकदम झटपटा जाओगे, उसके बिना रह नहीं पाओगे, एकदम मरे मरे से रहोगे। तो ऐसा इन गोली के साथ होता है। जैसा 3 महीने गोली लेते हो तो हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है और जैसे गोली को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी उसके बिना रह नहीं पाती। और इस गोली का काम हमारा वेट गेन करना, तो बॉडी इसी तरह से बॉडी लूज होने लगती है और वेट गेन हमारा कम हो जाता है गोली को छोड़ने के बाद। अब इसमें ना ही गोली की प्रॉब्लम है ना ही हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो सब में ही होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जैसे 3 महीने कोर्स कर लेते हैं और जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था गोली को छोड़ने का प्रोसेस, जो गोली का छोड़ने का प्रोसेस होता है, हमको 15 दिन की गोली रख लेनी है, फिर हमको 1 हफ्ते 1 दिन छोड़ के 1 दिन गोली लेनी है, फिर हमको दूसरे हफ्ते से 2 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन लेनी है। ऐसे तीसरे हफ्ते में हमको 2 ही दिन गोली लेनी है 1 हफ्ते में, फिर उसके बाद आपको 1 ही गोली लेनी है 2 दिन छोड़ के, फिर ऐसी तीसरे दिन 2 गोली, फिर उसके बाद 1 ही गोली लेकर उसको हमको छोड़ देना है। तो इससे हमारा बॉडी में कम इफेक्ट देखने को मिलता है और ये मैंने खुद भी रियलाइज करा है। मेरे को गोली को छोड़े 1 हफ्ते हो गया और मैं गोली छोड़ने की वही कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, तो मेरे को तो इतना फर्क लगा नहीं मेरी बॉडी में। और मैं भी इसका सेवन किया था मैंने अगले महीने, जो कि अब टैबलेट्स खत्म हो चुकी हैं, थोड़ी सी बची हैं जो कि मैं गोली छोड़ने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब आते हम अपनी नेचुरल डाइट पर। जो हमारी नेचुरल डाइट है वो हम केला खाते हैं और अंडा खाकर कर सकते हैं हम अपनी नेचुरल डाइट को। लेकिन ज़्यादातर लोग ये फॉलो नहीं करते और इसमें भी ये साफ साफ लिखा था जब आप इस गोली का सेवन करो तो आपको 4 केले मिनिमम खाने दिन में। तो आप 4 केले खा लेते थे इस दवाई के बाद, लेकिन इस गोली को छोड़ने के बाद ज़्यादातर लोग केले नहीं खाते होंगे, डाइट फॉलो नहीं करते होंगे। और जो हमारे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं और जो वेट गेन करते हैं वो रेगुलर डेली केले खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, अंडा खाते हैं, उनका इसलिए उनके मसल्स जल्दी ग्रो होती है और उनके जल्दी वेट गेन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गोली छोड़ी और उसके बाद हम लोग वेट पर ध्यान नहीं है, ना ही खाने पीने पर ध्यान है, फिर हम ढंग से खाना भी नहीं खाते गोली को छोड़ने के बाद। मैं बताऊँ आप गोली इसको खाओ या मत खाओ, वेट गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको 1 दिन में 4 केले तो खाने, उसके साथ आप अंडा भी खा लिया करो। रात में ऐसी ठंडी का मौसम आ रहा है और मैं बताऊँ जैसे कि जो क्या कहते हैं उससे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप उनको भी खा सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स काफ़ी महंगे आते हैं, तो आप उनकी जगह मूंगफली भी खा सकते हो और आलू भी खा सकते हो वेट गेन करने के लिए। और जो और क्या होते हैं जो जिससे वेट गेन होता है, और हाँ जो होता है मेन बात डाइजेशन, ज़्यादातर लोगों का खाना नहीं पचता, उसके लिए एक इलाज है। आप जैसे सुबह जगो तो ज़्यादातर लोग चाय पी लेते हैं, आपको चाय नहीं पीनी, आपको गुनगुना पानी पीना है सुबह जग के, उसके बाद आपको जो खाना है वो खाओ। लेकिन अगर आप चाय का ज़्यादा सेवन करते हो तो कम कर दो, अगर आपको वेट गेन करना है। और आप चाय पीते हो तो थोड़ी सी पर उसके साथ आपको कुछ ना कुछ नाश्ता भी करना चाहिए। और आप जैसे ठंडी का मौसम होते ज़्यादातर के लोग खा नहीं पाते, उनको कब्जी हो जाती है, गले में दर्द होता है,
तो आप केले का जूस बनाकर पी सकते हो तीनों टाइम। और मैं अब अपना बताऊँ ना, जैसे मैंने दवाई छोड़ी है तो मैं डेली केले का जूस पीता हूँ तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ लेकिन मैं केले का जूस जरूर पीता हूँ। और मैं एक दिन में मैं आलू की सब्जी जरूर खाता हूँ ताकि मेरी डाइट मेंटेन बनी रहे। मैंने इस दवाई को छोड़ चुका, मेरे को एक हफ्ता हो चुका है। इसमें से गोली छोड़ने की दवाई बची है, उनको मैं प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको भी वैसी प्रोसेस करना अगर आपने ये दवाई खाई है तो। और आपने ये इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूंगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। तो मैं बता रहा था आपको, अगर जैसे आप ये गोली छोड़ देते हो तो आपको नेचुरल डाइट डेली फॉलो करनी है। तीन केले चार केले खाओ, और नहीं खाए जाते तो जूस बनाकर पी लो तीनों टाइम। और आपको जैसे कि बॉडी बिल्डर का एग्जांपल लूँ, जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उन्हें बॉडी बना ली और वो 6 महीने के लिए छोड़ दें तो वो वैसे ही हो जाते हैं, आप देखना उनकी बॉडी कम होने लगती है। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन खाए एक दिन नहीं खा रहे हो, या आपने एक महीने तक खाए केले फिर उसके बाद नहीं खा रहे तो आपका वेट लूज होगा ही होगा। आपको मेंटेन करके रखना है। और ज़्यादातर लोग गोली खा लेते हैं, उसमें अच्छी तरीका से डाइट फॉलो करते 3 महीने और वो मोटे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो डाइट फॉलो नहीं करते फिर वो पतले हो जाते हैं। आप इस गोली को खाएं या नहीं खाएं, लेकिन नेचुरल डाइट यही है। आपको सुबह जग के केले का जूस पीना है, और दोपहर में पी सकते हो, रात में भी पी सकते हो। और आपको 2 अंडे खाने खाने हैं रात में, और अगर आप चाहो तो दिन में आप आलू की सब्जी, आलू से रिलेटेड कोई भी फूड्स खा सकते हो ताकि आपको फुल प्रोटीन मिले। और आलू, और आपको दिन में एक टाइम चावल या राइस खा लेने हैं ताकि, क्योंकि ज़्यादातर सर लोग रोटी खाते हैं, तो एक और टाइम आप चावल जरूर खाइएगा या रोटी के संग चावल का सेवन जरूर करिएगा तो आपकी उससे डाइट बनी रहेगी। अब मैं भी इस डाइट को फॉलो कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, और मेरा को तो कोई फ़र्क नहीं लगा, मैंने इस दवाई को छोड़ दिया है। अब मैं 1 हफ्ते से भी नेचुरल डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पतला होना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी एकदम तगड़ा सा दिखना है ताकि वेट मेरा अच्छा बना रहे, तो मैं रेगुलर डाइट ये फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी इस डाइट को फॉलो करिए, आप चाहे तो इस दवाई को खा सकते हैं, ज़्यादा पतले या नहीं खाने तो आप नेचुरल डाइट फॉलो कर सकते हैं। इस दवाई से होगा कि आपका वेट जल्दी गेन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का वेट लूज भी हो जाता है इस दवाई को छोड़ने के बाद। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप नेचुरल डाइट को ही अपनाइएगा और 2 महीने तक रेगुलर उसको यूज करिएगा, तो आपको फ़र्क देखने को जरूर मिलेगा बॉडी में। और मैं बता दूँ आपको, मास्टरपेशन नहीं करना है जब आप डाइट फॉलो करते हो, क्योंकि मास्टरपेशन करने से ज़्यादातर लोग का वेट लॉस होता है जल्दी और चेहरा मुड़ जाता है। तो आपको मास्टरपेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना डेली। अगर आपका ज़्यादा मन करता है तो आप 1 वीक में 1 बार कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आपको वेट गेन करना है तो अच्छा, और एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला दिखना है तो। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं जो गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक और भी जो गैजेट्स होते हैं, मैं उनका भी रिव्यू करता हूँ, आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा वीडियो को। और आपको पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा। अब जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है, मैं इसका रिव्यू भी दूंगा 1 महीने बाद, मेरा वेट लॉस हुआ या बढ़ा, क्योंकि मैंने इस दवाई को तो मैं छोड़ ही चुका हूँ अब। तो मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो साइड में बेल आइकन बटन है उसको दबा लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।